हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ काजल। आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस नॉलेज। इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड लास्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उनका। इन एंड वी डिस्कस्ड अबाउट मोनोडेंटेट लिगेंड्स, बाईडेंटेट, पॉलीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट और चिलेटिंग लिगेंड्स। इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो अब आज का हमारा टॉपिक, कल के टॉपिक में कुछ रह गया था, वो था हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड में चार्ज और उनका नाम क्या लिखते हैं। तो चलो देखते हैं। वो ये हमारे कुछ लिगेंड्स हैं, उनका नाम जैसे हम जब हम नेमिंग करेंगे इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो उसमें ये जरूरत होगी और इनके चार्ज के बारे में। तो मैं कुछ बताती हूँ। H2O है, वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और इसको हम एक्वासी डिनोट करते हैं, लिखते हैं नेमिंग में इसको। NH3 है, उसको हम अमीन नाम कहते हैं और इसमें भी ये भी एक न्यूट्रल लिगेंड है। उसके बाद है साइनो। साइनो मतलब CN ग्रुप, सी और एन, साइनाइड ग्रुप। इसको हम साइनो से लिखते हैं नेमिंग में और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। उसके बाद है हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। उन पे 1 चार्ज नेगेटिव होता है, -1 चार्ज होता है और इनको हैलिडो नाम से लिखते हैं। मतलब अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो ऐसे। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये हो गया हाइड्रिडो। जितनों पे नेगेटिव चार्ज होता है उनमें पीछे हम ये लगा देते हैं IDO। जैसे OH है, OH पे भी क्या होता है, जो OH है उस पर नेगेटिव चार्ज है और उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सो, और इस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद आता है NO2 नेगेटिव, ये है नाइट्रो ग्रुप और इस पर -1 चार्ज है। अगर हम NO3 पे 1 नेगेटिव चार्ज ले तो इसको हम नाइट्रेटो कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रेटो। अगर ये NH2 ग्रुप देखे तो हम इसको अमीडो कहते हैं, NH2 को हम अमीडो कहते हैं, और ये NH2 नेगेटिव है तो इमिडो कहते हैं, IMIDO। N3 नेगेटिव को नाइट्रिडो कहते हैं, SO42 नेगेटिव को हम सल्फेटो कहते हैं, O2 नेगेटिव को ऑक्सो कहते हैं और O2 को परोक्सो कहते हैं। इसमें 2 ऑक्सीजन एटम आ जाएंगे। इनके चार्ज दिख रहा है, इस पे 2 चार्ज, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे 1 नेगेटिव, इस पे 1 नेगेटिव, इस पे 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव, सारी हैं 1 नेगेटिव। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसके लास्ट में IUM लगा देते हैं, जैसे हाइड्रोनियम, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में। तो ये हमारा टॉपिक थोड़ा रह गया था पिछले लेक्चर में, आज मैंने डिस्कस कर दिया। लास्टली हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम, मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल K4 FeCN6 ले रखा है मैंने, ये एग्जांपल हमने सभी जगह लिया अब तक। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, क्योंकि इसने Fe, सेंट्रल मेटल एटम Fe है तो उसने कितने बना रखे हैं बॉन्ड CN के साथ, 6 बॉन्ड। तो ये हमारे सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं नेगेटिव स्पीसीज, उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अगर हम एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO, NH3, 4, ये हो जाएगा Cl2 और ये हो गया Cl। तो जो ओवरऑल स्पीसीज है, ये तो हमारा हो गया NH3 की 4 और ये Cl2। तो CO ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 4 तो NH3 के साथ, 2 Cl2 के साथ, और ये बार वाला या आयनाइजेशन पेयर होता है, ये आपको पता है। तो इसको छोड़ देते हैं। तो CO ने टोटल बॉन्ड कितने बना रखे हैं, NH3 के साथ 4 और Cl2 के साथ। NH3 का हमने बताया था कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका 0 आ जाएगा। तो हमने टोटल बॉन्ड इसके साथ बना रखे हैं 2, फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 6, क्या आ गया, 4 इसके साथ बना रखे और 2 इसके साथ, तो ये टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा।
एक दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड का लेते हैं, सीओ, ईएन, प्राइस, थ्री पॉजिटिव चार्ज। ये हमें पता है ईएन के ऊपर कितना चार्ज होता है, ईएन के पास दो, ये बाइडेंटेट लिगेंड है, इसमें दो डोनर साइट्स होते हैं, एनएच, वो सीएच टू एनएच टू एनएच टू, तो इसमें दो डोनर साइट होते हैं, तो ये दो बनाएगा एक, तो तीन है, तो तीन कितने बनाएंगे, दो, छह बनाएंगे, ठीक है। एक ईएन है वो दो बॉन्ड बनाता है, तो तीन ईएन कितने बनाएंगे, सिक्स बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। इसके हम ईएन क्या होता है, इथेन वन टू डायमीन, इथेन वन टू डायमीन, इसमें दो डोनर साइट्स होती हैं, एन और एन, तो जब ये सीओ के साथ कंबाइन करेंगे तो एक कंबाइन कैसे करेंगे, ईएन दो डोनर साइट से कंबाइन करेगा, ठीक है, और ये ऐसे ईएन और ये सिंपल ऐसे ईएन, तो ये ऐसे बन जाएगा इसका स्ट्रक्चर, तो ये हमें पता चल गया, ये कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने का तरीका था। उसके बाद अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें, क्या देखें, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम किसी का कैलकुलेट करना चाहें, जैसे K4Fe CN6, ये हमारा पहला एग्जांपल होता है हर चीज में, इसका अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन, अब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये बताते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमें जैसे किसका कैलकुलेट करना है, Fe का, तो इसको तो हम X मान लेते हैं, और इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, CN है, CN पे चार्ज क्या होता है, 1 नेगेटिव, ये पता है, तो ये प्लस, CN पे 1 नेगेटिव चार्ज होता है, और कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर आयनाइजेशन स्फीयर में कोई भी है, जैसे ये आयनाइजेशन में ये पॉजिटिव चार्ज है, या पे नेगेटिव भी हो सकता है, तो जो ये है ये इक्वल टू में पुट करते हैं हम, अगर ये यहाँ पे प्लस का है तो वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो अगर हम अभी इसका कैलकुलेट कर देंगे, एक्स ये माइनस सिक्स हो गया, इज इक्वल टू माइनस फोर, ये वहाँ पे जाके प्लस का हो गया, माइनस फोर प्लस सिक्स, तो एक्स कितना आ गया, टू, तो हमारे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, टू, दिस इज वेरी इजी वे, ठीक है। या हम ये भी देख सकते हैं, Fe टू पॉजिटिव ही बनाता है, जैसे Fe ने टोटल बॉन्ड बना रखे हैं सिक्स, इस पे चार्ज कितना है, माइनस वन, पता है माइनस वन है, तो सिक्स बॉन्ड बना रखे हैं, और चार वैलेंसी इसने बैलेंस कर दी, तो रह कितने गया, टू रह गया, तो इस पे आ जाएगा प्लस टू चार्ज, ठीक है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, जैसे K3Fe CN5 और ये हो गया CO, इसका एग्जांपल लिखते हैं हमने, इसमें Fe का कैलकुलेट करना है, तो Fe तो हो गया X, CN हो गया पता है हमें, 5 बॉन्ड बना रखे हैं, और चार्ज कितना है, माइनस वन, या माइनस वन चार्ज हो गया, और सिक्स से करती है, यहाँ पे 5 और माइनस वन से करती है, ठीक है। CO है, CO पे कोई चार्ज नहीं होता है कोई भी बॉन्ड, तो ये जीरो हो गए, ठीक है, तो टोटल में ये K ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये माइनस 3, यहाँ पे माइनस का प्लस का है, तो वहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो आ जाएगा K माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3, ये वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी Fe की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CrNH3 4Cl2 और ये हो गया Cl, इसमें क्या करेंगे, पहले हम किसका निकालना है, क्रोमियम का, तो ये X मान लिया, प्लस NH3 क्या होता है, इस पे चार्ज जीरो, पता है हमें न्यूट्रल लिगेंड, तो ये तो पूरा जीरो हो गया, प्लस Cl पे माइनस वन चार्ज होता है, तो ये क्या हो गया, 2 माइनस 1, तो ये दो बॉन्ड बना रखे, तो 2 और चार्ज कितना, माइनस वन। अब इक्वल टू में ये हमें पता है नेगेटिव होता है, तो उस साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और Cl पे नेगेटिव चार्ज कितना है, 1, तो उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का, तो X माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1,
तो उस साइड जाके अगर हम देखेंगे तो इस पे चार्ज कितना आएगा, एक्स ये उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो चार्ज कितना आना चाहिए इस पे, थ्री। कितना चार्ज आना चाहिए, थ्री। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम की, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस थ्री। अब पूरे लेक्चर के बारे में देखते हैं आज हमने क्या क्या किया। लिगेंड्स H2O, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इस पे चार्ज जीरो होते हैं, ये चार्जेस और उनके नेमिंग में यूज होने वाले कुछ चीज़ें। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फॉर्मड बाय द सेंट्रल मेटल एटम। और हमने किया था ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हाँ ये कैलकुलेट करना देखा था। अब दूसरे में एक बार कुछ और बता देती हूँ, जैसे ये है K4Fe CN6, इसमें ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये क्या होता है, आयनाइजेशन स्फीयर। ये क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। और एफ ई सेंट्रल मेटल एटम और सी एन है, मतलब कितने बॉन्ड बना रखे हैं एफ ने सी एन के साथ, ये क्या हो गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसको हम लिगेंड भी कहते हैं जो अपने लोन पेयर्स को डोनेट करता है। और सेंट्रल मेटल एटम इसको हम लोएस्ट बेस भी कहते हैं लिगेंड को। सेंट्रल मेटल एटम जो लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है उसके पास इक्वल एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, नियरली सेम एनर्जी के, इक्वल तो नहीं होंगे, नियरली सेम एनर्जी के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेता है, इसको हम लुईस एसिड कहते हैं, इसको लुईस बेस। आज एक टॉपिक और करते हैं, ये है हमारी वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या होता है, एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज टू वैलेंसीज, वैलेंसीज हैव टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। जो फर्स्ट है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन, प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है, किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और ये ड्यू टू ऑक्सीडेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये क्या होती है, ड्यू टू अनायंस, और ये ड्यू टू लिगेंड्स होती है, लिगेंड्स में पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है, और ये आयनाइजेबल है तो नॉन डायरेक्शनल है, और ये क्या होती है, डायरेक्शनल, डायरेक्शन बताती है कि वो ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, पिरामिडल बनाएगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा, ये बताती है। ये डू नॉट प्ले एनी रोल इन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में मतलब यही कि शेप कैसी है उसकी, डू नॉट प्ले रोल इन ज्योमेट्री, ये प्ले करती है, ठीक है। ये हमारी वर्नर थ्योरी है। जैसे हम कोई भी, मेरे को मैंने दे दिया CrNH36Cl3 और मैं कहूँ इसका
जैसे ये कोई एटम है, इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो हम ये दोनों बताने हैं इसकी। तो अगर हम ये हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना आता है कि सेंट्रल मेटल एटम ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं लिगेंड के साथ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारा NH3 के साथ 6 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। अगर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बहुत ईजी है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड है, इसका तो 0 हो गया चार्ज। ठीक है, तो 0 × 6 0, तो एक्स की निकालनी है और ये प्लस में 0 आ गया, इज इक्वल टू Cl3 है। Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है 1, तो 3 बना रखे हैं और उस साइड जाएंगे तो ये प्लस का 3। तो x की क्या आ गया? ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर से सेकेंडरी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो 3 आ गई, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर से सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो 6 आ गई। आई होप कि आपको ये वर्नर थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब मैं कुछ कंपाउंड बताती हूँ, उसके बारे में आप बताइए। जैसे PT है, NH3 6 Cl4, इसको आपको इसकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ आयंस, ये तीनों चीज कैलकुलेट करने हैं। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और नंबर ऑफ आयंस कितने हैं इसमें, ये कैलकुलेट करके बताने। मैं तो एक और देखती हूँ, जैसे PT NH3 5 Cl और ये हो जाएगा Cl3। ठीक है, आपको इनकी कैलकुलेट करके बतानी है इन दोनों की। और ये मेरे को ये भी बताना है कि इन दोनों में से कंडक्टिव ज़्यादा कौन होगा। ठीक है, कंडक्टिव का मतलब क्या होता है? कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ आयंस, जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। तो आपको ये बताना है कौन ज़्यादा कंडक्टिव है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी और नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ठीक है, आपको ये कैलकुलेट करके बताने हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।